खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब महंगा हो गया, करे तो क्या करे। महंगाई के समंदर में आवाम गोते खाने लगे, अंडे दूध दही नान और पराठे शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। महंगाई का मुंह जोर सैलाब मतवस तबके को ले डूबा, जबकि बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। तफसीला जानिए इकबाल साहब की इस रिपोर्ट में। वो दौर गया जब 30 से 40 रुपए में एक कप चाय और पराठा आ जाता था। अब तो नान 10 से 15 रुपए, सादा रोटी 6 से 10 रुपए, लस्सी का ग्लास 50 से 100 रुपए, ऑमलेट 30, जबकि सादा पराठा 15 से 40 रुपए का फरोख्त होने लगा है। शहरियों का कहना है कि चाय का एक कप 25 से 30 रुपए में मिल रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि बहुत ज्यादा, हम गरीब बंदे हैं, कैसे फिर भी आते हैं कि चलो सुई गैस नहीं है, बिजली नहीं है घर में, इसलिए फिर बाहर आके मजबूरी करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कुछ भी खाने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या खाएं, कोई भी चीज सस्ती नहीं मिल रही। गरीब आदमी के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं, जिसकी आमदनी बहुत कम है उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया इन हालात में। शहरियों का कहना था अगर महंगाई इसी तरह रही तो भूखे रहने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत को आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन रिजवान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान।